मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा है, मेरे फादर का नाम सतीश कुमार सिन्हा, मेरी पत्नी पुष्पा सिन्हा एक हाउसवाइफ है जो बीकानेर में मेरे बच्चों के साथ रहती है। मैंने 93 में मैंने अपना प्लस टू करने के बाद मैंने दो एग्ज़ाम दिए थे, SSC का LDC होता था, उस टाइम में बैंकिंग को BSRB बोलते थे, तो वो दोनों भी क्लियर हुए थे, लेकिन मुझे बहुत ही था कि मैं डिफेंस में ही जाऊंगा करके, तो मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। 22.5 साल भारतीय वायुसेना में काम करने के बाद मुझे लग रहा था कि कैरियर प्रोग्रेशन उसमें थोड़ा रुकावट फील हो रहा था, और मैं बाहर देखने लगा था कि कहाँ पे करियर प्रोग्रेशन अच्छा मिल सकता है। जब मैंने एयरफोर्स को छोड़ के बैंकिंग जॉब की तरफ जाने का मन बनाया, कि मेरी फैमिली, वाइफ, किड्स एंड पेरेंट्स, वो उस जगह से निकलना नहीं चाह रहे थे, और उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि भाई अगला जॉब होगा भी कि नहीं होगा। बैंक एक बढ़िया करियर प्रोग्रेशन के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ कम टाइम में आप अच्छे हाईएस्ट लेवल तक अचीव कर सकते हो। ये सोच के मैंने RBI का एग्ज़ाम दिया, पहला एग्ज़ाम RBI का है, और देख के डर लग गया क्वेश्चन का पैटर्न, क्योंकि जो 93 में मैं बड़ा इजिली क्लियर कर लिया था, वो एग्ज़ाम पैटर्न अभी चेंज हो चुका था, रीजनिंग का पैटर्न टोटल अलग। तो मैंने गूगल पे सर्च मारना शुरू किया, उनमें मैंने कुछ वीडियोज़ देखे शुरुआती, उसमें रोहित अग्रवाल सर का टैलेंट स्प्रिंट वाला वीडियो बाई चांस मुझे अट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने टैलेंट स्प्रिंट ज्वाइन करने का मन बना लिया। SBI का एग्ज़ाम आया, इसको मैंने टैलेंट स्प्रिंट से जो आइडियाज़ मिले थे उसने रियली बहुत हेल्प किया, और एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं कॉन्फिडेंट हो गया था मेरा मैं SBI ज्वाइन कर रहा हूँ। SBI का एग्ज़ाम का क्वालिटी ये रिजल्ट आ गया और मैं ज्वाइन कर लिया। जैसे ही दिखाई दिया रियली वो खुशी हुई, क्योंकि इतने सारे विरोध, पत्नी का विरोध, पेरेंट्स का विरोध, उसके बाद जो खुशी मिलती है और जो साथ में थैंक्स निकला वो रोहित अग्रवाल सर का और टैलेंट स्प्रिंट का बहुत दिल से निकला था।